हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएसजी गुमानी। बच्चों, आज हम लोग क्लास थ्री का चैप्टर फाइव पढ़ेंगे, द येलो बटरफ्लाई। बच्चों, इस स्टोरी को हम लोग रीड करेंगे, फिर इसे हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे वर्ड मीनिंग के साथ, और फिर लास्ट में इसका क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। ठीक है बच्चों, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपको इसी एक वीडियो में पूरी स्टोरी का हिंदी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, यानी पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी, और इसका पूरा वर्कशीट आपको मिल जाएगा। ठीक है, पूरा वर्कशीट यानी कि क्वेश्चन आंसर जितना भी है आपका नीचे दिया हुआ, वो सब कुछ आपको सॉल्व्ड मिलेगा। ठीक है, इसीलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बच्चों, लेकिन आप इस वीडियो पर बने रहिए, पूरा वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिए, पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे रीड करते हैं और इसे वर्ड मीनिंग के साथ एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, अ येलो बटरफ्लाई फ्लू अराउंड इन सोनूज गार्डन। एक पीले रंग का तितली, यहाँ फोटो में आप देख सकते हैं, ठीक है, येलो बटरफ्लाई यानी कि पीला तितली, एक पीला तितली जो है सोनू के बगीचे में उड़ रही थी। ओके, सोनू सॉ द बटरफ्लाई, सोनू ने तितली को देखा, ही रैन टू कैच इट, और फिर उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा। ठीक है, भागा। द बटरफ्लाई फ्लू टू द रोज बेड। यहाँ देखिए बच्चों, रोज बेड मतलब होता है गुलाब की क्यारी, यानी कि गुलाब के फूल जहां लगे होते हैं, बहुत सारे गुलाब ना, तो उसे रोज बेड कहते हैं। ठीक है, यानी कि बटरफ्लाई उड़ करके रोज बेड पर चले गए, यानी कि गुलाबी की क्यारी में चले गई। इट सेट ऑन अ रेड रोज, और वहां जाकर के वह एक लाल रंग के गुलाब पर बैठ गई। ओके, नाउ आई कैन कैच इट, अब मैं इसे पकड़ सकता हूं, सेट सोनू, सोनू ने कहा। ओके, ही वर्कड स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई, वह तितली को पकड़ने के लिए चुपचाप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। ओके, ही केम क्लोजर क्लोजर एंड स्टिल क्लोजर, बट देन वह आगे बढ़ता गया और नजदीक जाता गया तितली। ठीक है, और जैसे ही वह नजदीक गया, तभी क्या हुआ, अ फ्लू द बटरफ्लाई, तितली उड़ गई। वेयर डिड द बटरफ्लाई गो, तितली कहाँ गई। नियर द गार्डन वॉज अ पॉन्ड, गार्डन के पास एक तालाब था, पॉन्ड मतलब तालाब होता है। ओके, इन द पॉन्ड वॉज अ वाइट लोटस, और उस तालाब में एक सफेद रंग का लोटस था, यानी कि कमल का फूल था बच्चों। ठीक है, लोटस मतलब होता है कमल का फूल। ओके, यहां पर आप देख सकते हैं नीचे दिया हुआ है। ओके, यहां देखिए, ये लोटस है, कमल का फूल है। अराउंड इट ग्रू राउंड लीव्स, दे फ्लोटेड इन द वाटर, और ये जो कमल के फूल है, नीचे देखिए, यहाँ पे ये देखिए, कमल का फूल है ना, तो कमल के फूल के चारों ओर राउंड लीव्स हैं, यानी कि गोल गोल पत्ते हैं, और वो पत्ते पानी में तैर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, पानी में तैर रहा है ये पत्ते, यानी कि देखिए, लोटस जो है ना पानी में ही होता है, और उनके पत्ते भी पानी में तैर रहे होते हैं। आपने अगर रियल में देखा होगा किसी तालाब में, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी कि कमल के फूल के चारों ओर गोल गोल पत्ते थे जो कि पानी में तैर रहे थे। ठीक है, दे फ्लोटेड इन द वॉटर, यानी कि वो पत्ते जो है तैर रहे थे पानी में। द बटरफ्लाई सेल्ट ऑन अ फ्लोटिंग लीफ, और तितली जो है वहां जाकर के एक तैरते हुए पत्ते पर बैठ गई। सेल मतलब तो बैठना नहीं होता है बच्चों, लेकिन सेल मतलब क्या होता है, सवारी करना। किस चीज की सवारी, पानी में जो जहाज होते हैं ना, पानी में, यानी कि पानी में जहाज की सवारी करने को सेल कहते हैं। ठीक है, यात्रा यानी कि समुद्र यात्रा करना। ओके, मतलब कि नाव में चढ़ करके, नाव में जैसे सवारी करते हैं, तो उसे सेल कहा जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए, पत्ते जो है पानी में तैर रहा था, और पत्ते पर बैठ करके वो उसका सवारी करने लगा, यानी कि पत्ते पानी में तैर रहे ना, तो इसीलिए पत्ते पर बैठा तितली, इसीलिए यहाँ पे सेल कहा। ओके, द बटरफ्लाई सेल्ट ऑन अ फ्लोटिंग लीफ, यानी कि तितली जो है उस तैरते हुए एक पत्ते पर बैठ गई। सोनू वेंट स्प्लैश इन टू द वॉटर एंड अ फ्लू द बटरफ्लाई, सोनू जो है स्प्लैश करती हुई, यानी कि पानी में जो छप-छप की आवाज होती है, पानी में जैसे वो चल रहा था ना, तो छप-छप की आवाज होती है, उसे स्प्लैश कहते हैं, यानी कि सोनू छप-छप करते हुए पानी में आगे बढ़ा गया। ठीक है, और फ्लू द बटरफ्लाई, तभी क्या हुआ, तितली उड़ गई। वेयर इट वॉज, सोनू लुक्ड अप, ही लुक्ड डाउन, सोनू ऊपर की ओर देखा, नीचे की ओर देखा। ओके, और उसने कहा कि यह कहां पर थी। Near the wall was a peach tree. अब वहाँ पे दीवार थी, दीवार के पास एक peach tree थी। It had pink flowers. और उस peach tree में pink flowers थे। The butterfly sat on a pretty flower.
अब तितली जो है उड़ करके एक खूबसूरत से फूल पर बैठ गई। आई कैन कैच यू, मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ, शाउटेड सोनू। सोनू ने चिल्लाया कि मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ। ही क्लाइम्ड अप द ट्री, ही क्लाइम्ड बट, यानी कि वह पेड़ पर चढ़ा और ऊपर चढ़ता गया पेड़ पर, ठीक है। बट बैक इट फ्लू डाउन फ्रॉम द ट्री, लेकिन तितली जो है उड़ करके फिर से नीचे आ गई, पेड़ से नीचे आ गई, ठीक है। सोनू जंप्ड डाउन टू, सोनू भी कूद गया। ही चेस्ड द बटरफ्लाई, उसने तितली का पीछा किया। फ्रॉम द रोज टू द लोटस एंड अप द पीच ट्री, बट ही कुड नॉट कैच द बटरफ्लाई, यानी कि उसने कहां से कहां तक पीछा किया, रोज से लेकर के यहां पीच ट्री तक पीछा किया, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं सका। ओके बच्चों, अब देखिए नीचे, सोनू कुड नॉट सी इट एट ऑल, अब उसे दिखाई नहीं दे रहा था, यानी कि तितली जो है ना उड़कर कहीं गायब हो गई थी। ही लुक्ड एवरीवेयर, उसने हर जगह देखा। एट लास्ट ही सॉ द बटरफ्लाई, फिर आखिरकार उसने तितली को देख लिया। देयर वॉज अ बिग स्पाइडर्स वेब इन द पिच ट्री, वहां पर पिच ट्री में जो है एक बड़ा सा मकड़ी का जाल था। स्पाइडर मतलब होता है मकड़ी और वेब मतलब होता है जाल, ठीक है। स्पाइडर्स वेब मतलब हुआ मकड़ी का जाल, यानी उस पीच ट्री पर जो है एक बहुत बड़ा सा मकड़ी का जाल था। द बटरफ्लाई वॉज कट इन द स्पाइडर्स वेब, अब उस जाल पर जो है मकड़ी के जाल पर तितली फंस चुकी थी। इट लुक्ड सैड एज इट ट्राइड टू एस्केप, अब जैसे जैसे वह उससे भागने की कोशिश कर रही थी तितली, वह उसमें और भी फंसती जा रही थी, और उससे क्या हुआ, उसको बड़ा दुख हो रहा था, यानी कि वो देखने में एकदम बहुत परेशान लग रही थी, दुखी लग रही थी। ओके, इट फ्लटर्ड इट्स विंग्स, वह अपने पंख को फड़फड़ा रही थी। विंग्स मतलब पंख होता है, फ्लटर्ड मतलब होता है फड़फड़ाना, वह अपने पंख को फड़फड़ा रही थी। इट ट्विस्टेड एंड टर्न्ड, इसने जो है ना छटपटा रही थी वो एक्चुअल में, और इससे क्या हुआ, वह मुड़ने की कोशिश की, बहुत जोर से अपने पंख को फड़फड़ा रही थी, वह मुड़ी। बट इट कुड नॉट एस्केप, लेकिन ये जो तितली है नहीं भाग सकी, एस्केप मतलब भागना होता। ओके, द स्पाइडर्स वेब हेल्ड इट टाइट, यानी कि स्पाइडर्स वेब जो मकड़ी का जाल था ना उसको बहुत जो है मजबूती के साथ जकड़ लिया था। जैसे जैसे वो फड़फड़ा रही थी, पंखे हिला रहे थे, पंखे जो है ना फड़फड़ा रही थी, वैसे वैसे वो मकड़ी के जाल में और भी फंसती जा रही थी, ठीक है। यानी कि मकड़ी की जाल जो है उसको मजबूती से जकड़ लिया था। पूर बटरफ्लाई, बेचारा बटरफ्लाई। इन द मिडल ऑफ द वेब वॉज अ बिग स्पाइडर, और उस मकड़ी के जाल के बीच में एक बड़ा सा मकड़ी था। ओके, इट लुक्ड हंग्री, और वह देखने में भूखा था, यानी देखने में भूखा लग रहा था। ओके, इट वांटेड टू कैच द बटरफ्लाई, और ये उसको देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे वह उस तितली को पकड़ना चाहता, ठीक है। क्लोजर एंड क्लोजर क्राउल्ड द ब्लैक स्पाइडर, अब वो काले रंग के जो स्पाइडर थे, मकड़ी था, वो नजदीक गया रेंगते हुए। क्राउल मतलब रेंगना होता है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए वह उसके नजदीक में जाने लगा तितली के, ठीक है। बिफोर द हंग्री स्पाइडर कुड ग्रैब इट, सोनू रेन एंड ही कट द बटरफ्लाई, अब इससे पहले कि काले रंग का भूखा मकड़ी तितली को झपट पाता, ग्रैब मतलब होता है झपटना बच्चों, ठीक है। ये जो वर्ड है ग्रैब, इसका मतलब होता है झपट पाना, झपटना, ठीक है। बिफोर द हंग्री स्पाइडर कुड ग्रैब इट, यानी कि इससे पहले कि भूखा मकड़ी इसे पकड़ लेता, झपट लेता, ठीक है। सोनू रेन, सोनू दौड़ा एंड कट द बटरफ्लाई, और तितली को पकड़ लिया। इट वॉज सो प्रिटी, अब तितली जो है सोनू के हाथ में आ चुकी थी। इट वॉज सो प्रिटी, यह बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। इट हैड ब्राउन स्पॉट्स ऑन इट्स येलो विंग्स, इसके जो पीले रंग के विंग्स थे, पंख थे ना, इसमें ब्राउन कलर के जो है धब्बे थे। स्पॉट कहते हैं धब्बे को, गोल गोल धब्बे जो होते हैं उसे स्पॉट्स कहते हैं। Okay? उसके पंख में गोल गोल धब्बे थे। सोनू लव्ड द लिटिल बटरफ्लाई, अब सोनू को जो है ना उसको उस छोटे से तितली पर प्यार आ गया, यानी कि उसको जो है ना उससे लगाव हो गया। ओके, बट इट लुक्ड सैड इन सोनूज हैंड, लेकिन वह सोनू के हाथ में बहुत उदास दिख रहा था। सोनू वांटेड इट टू बी हैप्पी, सोनू उसे खुश देखना चाहता था, ठीक। सोनू के हाथ में तो तितली आ गई थी, लेकिन सोनू चाहता था कि वो खुश रहे, लेकिन सोनू के हाथ में वो तितली उदास दिख रही थी, लेकिन सोनू क्या था, सोनू उसे खुश देखना चाहता था। ओके, गो सेड सोनू, फ्लाई अवे, सोनू ने कहा कि जाओ, उड़कर चली जाओ।
He let the butterfly go. उसने तितली को जाने दिया. It sat on the red rose. या फिर क्या हुआ, उड़कर चली गई तितली, वहां से उड़कर के गुलाब, लाल रंग के गुलाब पर बैठ गई. It flew to the peach tree. फिर उड़कर के peach tree पर चली गई. And then sailed on a lotus leaf. और फिर वहां से उड़कर के कमल के तैरते हुए पत्ते पर जाकर ये जो है ना बैठ गई. ओके, इट फ्लू मेरीली फ्रॉम फ्लावर्स टू फ्लावर. यानी कि वह उड़ करके या जो है ना अब बड़े खुशी से, देखिए मैरिली मतलब होता है आनंद से, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी चिंता के, उसे कहते हैं मैरिली. ठीक है, यानी कि तितली जो है ना खुशी से एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ती गई. सोनो वॉच्ड इट फ्लाई एंड फ्लाई, और सोनो इसे उड़ते हुए देखता गया. ठीक है, द बटरफ्लाई फ्लू ऑल अराउंड सोनोस गार्डन हैप्पी एंड फ्री वंस अगेन. अब जो है तितली सोनू के बगीचे में एक बार फिर से, सोनू के बगीचे में चारों ओर एक बार फिर से उड़ने लगी. अब हम लोग देखेंगे बच्चों न्यू वर्ड्स. स्कैप मतलब होता है भागना, पॉन्ड मतलब होता है तालाब, पिच कहते हैं एक तरह की जो है पेड़ होता है ये फूल का, क्लाइंब मतलब होता है चढ़ना, कैच मतलब होता है पकड़ना, मिडल मतलब होता है बीच में, हंगरी मतलब भूखा, फ्लोट मतलब होता है तैरना, ठीक है, या फिर उड़ान भरना. ठीक है, शाउट मतलब होता है चिल्लाना, चेस मतलब होता है पीछा करना, फ्लटर मतलब होता है फड़फड़ाना. ओके, फड़फड़ाना या उड़ना. ट्विस्ट मतलब होता है मुड़ना, मोड़ना. बच्चों स्टोरी यही तक था, अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे. ओके, चलिए बच्चों अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं. रीडिंग इज फन. Where did Sonu first see the yellow butterfly? Sonu ने सबसे पहले पीले रंग की तितली को कहाँ देखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, At first Sonu saw the butterfly in his garden. Sonu ने सबसे पहले तितली को अपने बगीचे में ही तो देखा था ना, अपने गार्डन में देखा था. ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू. Name three places where the butterfly rested. तीन जगह के नाम बताइए जहां पर तितली ने रेस्ट किया था. ओके, तो ये तीन जगह कौन कौन से थे? इसका आंसर होगा बच्चों, द बटरफ्लाई रेस्टेड ऑन रेड रोज, फ्लोटिंग लीफ ऑफ लोटस एंड पीच ट्री. यानी कि पहले उसने रेड रोज पर गया था, जो तितली उड़कर कहां गई थी, रेड रोज पर, उसके बाद फ्लोटिंग लीफ पर यानी कि लोटस के जो पत्ते थे उस पर गई थी, और फिर आखिर में कहां गई थी, पीच ट्री पर गई थी. इन तीन जगहों में जो है तितली आराम किया था. ओके, तो इसका आंसर यही होगा. ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री. व्हाई डिड सोनू चेज द बटरफ्लाई. सोनू ने तितली का पीछा क्यों किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, सोनू चेज्ड द बटरफ्लाई बिकॉज इट वॉज वेरी प्रीटी, बिकॉज इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल. ओके, प्रीटी या फिर ब्यूटीफुल, देखिए खूबसूरत होता है इसका मीनिंग. ठीक है, एंड ही वॉन्टेड टू कैच इट, और वह इसे पकड़ना चाहता था, इसीलिए उसने, इसीलिए सोनू ने इसका पीछा किया. ओके, देखिए व्हाई डिड सोनू लेट द बटरफ्लाई गो. ओके, क्वेश्चन नंबर फोर. तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका मतलब होता है कि सोनू ने तितली को जाने क्यों दिया. इसका आंसर होगा, सोनू लेट द बटरफ्लाई गो बिकॉज इट वॉज लुकिंग सैड इन सोनूज हैंड एंड ही वॉन्टेड इट टू बी हैप्पी. सोनू ने तितली को जाने इसलिए दिया था क्योंकि वो तितली जो है उसके हाथ में बड़ी उदास दिख रही थी. ठीक है, और वैसे भी सोनू उसको खुश देखना चाहता था. ठीक है, इसीलिए सोनू ने तितली को जाने दिया. ओके बच्चों, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉक टाइम. नंबर वन, इफ यू वर अ बटरफ्लाई हाउ वुड यू फील इफ यू वर कट. अगर तुम एक तितली होती, ओके, तो कैसा महसूस होता अगर तुम्हें कोई पकड़ लिया होता, अगर तुम पकड़ी जाती. ओके, तो इसका आंसर होगा बच्चों, इफ आई वर अ बटरफ्लाई आई वुड फिट वेरी बैड इफ आई वर कट. अगर मैं पकड़ी जाती तो मैं, मुझे बहुत बुरा लगता. ओके, नंबर टू, व्हाई डिड द बटरफ्लाई गो टू द फ्लावर्स इन द गार्डन. यानी कि तितली जो है फूलों पर, बगीचे में फूलों पर क्यों गई, एक फूल से दूसरे फूल तक जाती रही वहां पे जो है ना गार्डन में, तो क्यों गई. तो इसका आंसर होगा बच्चों, Because Sonu wanted to catch the butterfly and he was chasing it. So the butterfly went to the flower.
फ्लावर्स, यानी कि सोनू जो है ना, सोनू बटरफ्लाई को पकड़ना चाहता था, है ना, तितली को पकड़ना चाहता था, वह उसे और उसका पीछा कर रहा था, इसीलिए तितली जो है एक फूल से दूसरे फूल तक गई। ओके, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखिए बच्चों, यहाँ पे से दीज सेंटेंसेस अलाउड, इन सेंटेंसेस को जो नीचे दिए हुए हैं इनको जोर से कहना है आपको। ओके, बटरफ्लाइज कैन फ्लाई, तितलियां उड़ सकती है। ओके, बटरफ्लाइज यानी कि तितलियां कैन फ्लाई, उड़ सकती है, ठीक है, यानी तितलियां उड़ सकती है। बर्ड्स कैन फ्लाई, पक्षी उड़ सकते हैं। काइट्स कैन फ्लाई, पतंग उड़ सकते हैं। एरोप्लेन्स कैन फ्लाई, हवाई जहाज उड़ सकते हैं। कैन वी फ्लाई, अब यहाँ देखिए ये हमारे लिए क्वेश्चन है। ओके, आपके लिए क्वेश्चन है ये, यानी कि क्या हम उड़ सकते हैं, कैन वी फ्लाई। तो यहाँ देखिए आंसर इसका बच्चों, नो वी कांट, नहीं हम नहीं उड़ सकते। वी कैन फ्लाई इन एन एरोप्लेन, हम हवाई जहाज में उड़ सकते हैं, है ना, हम हवाई जहाज में उड़ सकते हैं, क्योंकि हवाई जहाज में जो है ना, हवाई जहाज जो हवा में उड़ती है, ठीक है। ओके, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, लेट्स राइट में। ओके बच्चों, यहाँ देखिए, राइट द सेंटेंसेस इन प्रॉपर ऑर्डर यूजिंग दीज वर्ड्स टू हेल्प यू, ये जो नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स की मदद से आप नीचे दिए हुए सेंटेंसेस को प्रॉपर ऑर्डर में लिखें, यानी कि उपयुक्त रूप से इसको सजाना है, ठीक है। इसको पहले रीड कर लेते हैं बच्चों और समझ लेते हैं, फिर हम इसका जो है ना आंसर को, इसको प्रॉपर ऑर्डर में सेट करेंगे। देखिए, नंबर वन, फाइनली आई ड्रेस अप एंड गो टू स्कूल, देन आई ब्रश माय टीथ एंड हैव अ बाथ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट आउट ऑफ बेड, आफ्टर दिस आई एट माय ब्रेकफास्ट। देखिए ये कोई मतलब सेट नहीं है, यानी कि उल्टा पुल्टा लग रहा है, ठीक है। फाइनली आई ड्रेस अप, ये तो नंबर वन में नहीं होगा, है ना, देन आई ब्रश में, ये ऐसा होता है क्या कि नंबर वन में फाइनली यानी कि स्कूल चले गए फिर आप ब्रश किए, ऐसा तो नहीं होगा। तो इसी को आपको सजाना है बच्चों, ठीक है, इन वर्ड्स की मदद से। इन वर्ड्स को आप देखिए, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गेट आउट ऑफ बेड, यानी कि यहाँ पे नंबर वन कौन होगा, यही तीन नंबर वाला सेंटेंस होगा। चलिए मैं इसको टिक आउट कर देता हूं बच्चों, आप इसको लिख लेना, ठीक है। यहाँ देखिए ये होगा नंबर वन, ओके, ये इसको नंबर वन में करना है, ठीक है, ये नंबर वन, ठीक है। अब देखिए, देन आई ब्रश माय टीथ एंड हैव अ बाथ, ये होगा नंबर टू, क्योंकि देखिए ब्रश से सबसे पहले मैं बेड से उठा, यानी कि नींद से उठा, और फिर क्या किया, ब्रश किया, अपने दांत साफ किए और फिर मुंह हाथ धोकर नहाया धोया, ठीक है। देखिए वही चीज यहाँ पे, यानी कि उसके बाद, ठीक है, सबसे पहले मैं बेड से उठा, तब मैंने अपनी ब्रश किया और फिर नहाया, ओके। उसके बाद देखिए, आफ्टर दिस आई एट माई ब्रेकफास्ट, ये होगा आपका नंबर थ्री, ठीक है, यानी कि इसके बाद मैंने अपना नाश्ता किया, ओके। अब फाइनली ये होगा, ओके, नंबर फोर यहाँ होगा, फाइनली आई ड्रेस अप एंड गो टू स्कूल, और आखिरकार मैंने अपना ड्रेस पहना और स्कूल चला गया, ओके। तो यही तक था बच्चों, ये आपका इसी तरह से आपको सेट करना है, प्रॉपर ऑर्डर में इसको या सजाना है, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए एक्टिविटी, पेपर फन, एक एक्टिविटी आपको करना है यहाँ पे, लेट्स मेक अ बटरफ्लाई, चलिए एक तितली बनाते हैं, ठीक है, फटाफट इसको हम रीड करते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आप घर में इसको दोबारा रिपीट करके दो तीन बार आप इसको पढ़िए और बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए नंबर वन में आपसे कह रहा है कि टेक अ शीट ऑफ पेपर, यानी कि एक पेपर ले लेना है आपको, ठीक है, कट टू स्क्वायर्स ऑफ द सेम साइज, यानी कि ये जो फोटो में आप देख पा रहे हैं ना, इसी साइज की, इसी तरह की, यानी कि सेम साइज की, ठीक है। स्क्वायर्स मतलब कि चारों जो है ना रेखाएं बराबर होनी चाहिए, जो पेपर आप काटेंगे चारों तरफ से बराबर होने चाहिए, यानी कि देखिए स्क्वायर्स कहते हैं चारों तरफ से जो बराबर होते हैं, ठीक है, उसे स्क्वायर्स कहते हैं, यानी कि दो पेपर आपको का दो आपको जो है ना स्क्वायर्स दो वर्गकार रूप से पेपर को काटना है, दो सेम साइज के, ओके। नंबर टू देखिए, फोल्ड देम लाइक अ फैन, अब उसको जो दोनों पेपर आपने काटे हैं इस तरह से फोटो में जिस तरह से दिख रहा है आपको, इसी तरह से फोल्ड कर लेना है, मोड़ लेना है, ठीक है, मोड़ देना है। नंबर थ्री, होल्ड बोथ द फोल्डेड स्क्वायर्स एंड टाई अ थ्रेड इन द मिडल, अब दोनों फोल्डेड पेपर को अच्छे से पकड़ लेना है और उसके बीच में धागे से बांध देना है, देखिए इस तरह से, ओके, फोटो में जिस तरह से दिख रहा है। नंबर फोर, नाउ स्प्रेड द फोल्ड्स And the wings of your butterfly are ready. अब जो folded paper हैं उनको फैला देना है, स्प्रेड मतलब होता है फैलाना, ठीक है, दोनों को फैला देना है जिस तरह से फोटो में दिख रहा है आपको, और आपके जो बटरफ्लाई है उनके विंग्स इस तरह से तैयार हो जाएंगे, ठीक है, विंग्स मतलब पंख होता है, पंख आपके बटरफ्लाई के रेडी हो जाएंगे इस तरह से। नंबर फाइव,
कट द बॉडी ऑफ द बटरफ्लाई एंड ड्रॉ इट्स आईज पुट अ स्माइल ऑन इट्स फेस। यानी कि अब देखिए, अब एक बॉडी बना का कट लेना है आपको, ठीक है, एक बटरफ्लाई का बॉडी काट लेना है पेपर से ही, और फिर उसमें उसकी आंखें बनानी है और चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान देनी है, जिस तरह से यहाँ फोटो में आपको दिख रहा है, ठीक है। यानी कि लिप्स को, उसके माउथ को इस तरह से बनाना है जैसे कि लगे कि वो मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है, वो तितली मुस्कुरा रही है ऐसा लगे, ठीक है। यही चीज यहाँ लिखा है बच्चों, पुट अ स्माइल ऑन इट्स फेस, यानी कि उसके चेहरे पर मुस्कान दो। नंबर सिक्स, स्टिक इट ऑन द विंग्स एंड योर बटरफ्लाई इज रेडी। अब ये जो बॉडी आपने बटरफ्लाई की काटी है उसको विंग्स में जो आपने बनाई है ऊपर, यहाँ इसमें सेट कर देना है, ठीक है, इसको यहाँ बीच में बिठा देना है, इस तरह से आपके बटरफ्लाई रेडी हो जाएंगे, ठीक है। अब नंबर सेवन में आपसे कह रहा है कि यू मे डेकोरेट योर बटरफ्लाई, आप अपने तितली को सजा सकते हैं। डेकोरेट मतलब सजाना होता है, कैसे सजा सकते हैं, बाय स्टिकिंग सम बिंदीज बीड्स और सीक्वेंस। देखिए सीक्वेंस कहते हैं स्टार, देखिए स्टार टाइप के जो बिंदी होते हैं ना उसे सीक्वेंस कहते हैं, और बिंदी गोल गोल होते हैं, और बीड्स जो है दाने टाइप के होते हैं। इन सब चीजों से, इन सब चीजें चिपका करके, स्टिकिंग मतलब चिपकाना होता है, ठीक है, इन सब चीजें चिपका करके आप अपनी तितली को सजा सकते हैं, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, वर्ड बिल्डिंग, ओके। यहां देखिए, मेक टू वर्ड्स फ्रॉम वन वर्ड, वन हैज बीन डन फॉर यू। देखिए नीचे जो वर्ड दिए हुए हैं, इन वर्ड से आपको दो वर्ड बनाने हैं, ठीक है, एक आपके लिए बना दिया गया है। यहां देखिए बटरफ्लाई, बटरफ्लाई से दो वर्ड बने हैं, बटर एक वर्ड, फ्लाई एक वर्ड। उसी तरह से नीचे जो वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स को भी, इन वर्ड्स से भी आपको दो दो वर्ड बनाने हैं, ठीक है। जैसा कि यहां देखिए एवरीवेयर, तो यहां से दो वर्ड बनेंगे, एवरी एक वर्ड, वेयर एक वर्ड। चलिए मैं लिख देता हूं बच्चों, ठीक है, देखिए यहां पे आपको इस तरह से बनाने हैं, ठीक है। यहां देखिए एवरी, आप लिख लेंगे यहां एवरी एक वर्ड, और यहां वेयर एक वर्ड, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए इनसाइड है तो इन इन एक वर्ड होगा और साइड एक वर्ड होगा, ठीक है। उसी तरह से आउटसाइड है तो आउट एक वर्ड कर देना है आपको, और फिर साइड एक वर्ड कर देना है, ठीक है। यहां देखिए सनलाइट है तो सन एक वर्ड हो जाएगा, और लाइट एक वर्ड हो जाएगा, लाइट एक वर्ड, ठीक है, इस तरह से, ओके बच्चों। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा बच्चों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह का इंग्लिश लेसन पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ओके, थैंक यू।